जैसे जैसे आईपीएल 2024 करीब आ रहा है, वैसे वैसे मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा के बीच दरार बढ़ती जा रही है। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर होने के बावजूद रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के प्री सीजन कैंप में नहीं पहुंचे, और आज एक बार फिर से रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को ताना जड़ दिया है। ये ताना क्या है और किस तरीके से रोहित शर्मा ने उनको जड़ा, ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुंबई इंडियंस में क्या कुछ चल रहा है वो दिखा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हार्दिक पंड्या की, जो मुंबई इंडियंस के नए नवेले कप्तान बने हैं। लगातार फील्ड पर मेहनत कर रहे हैं, प्री सीजन कैंप में बाकी खिलाड़ियों के साथ घुल मिल रहे हैं। टीम के बैटिंग कोच किरण पोलार्ड भी पहुंच गए हैं और उनका भी स्वागत मुंबई इंडियंस ने जोरदार तरीके से किया। ईशान किशन को भी डराया मुंबई इंडियंस ने, लेकिन इसके बावजूद रोहित शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रोहित शर्मा ने अब से थोड़ी देर पहले अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम में एक तस्वीर साझा की, और उस तस्वीर को देखकर यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं हिटमैन मुंबई इंडियंस को चिढ़ा रहे हैं। चिढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि एक हंसती हुई तस्वीर जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर दिख रही है, ये तस्वीर उन्होंने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, और इस तस्वीर में रोहित की परछाई रितिका भी उनके चश्मे में आप देख सकते हैं। वैसे तो ये एक प्रमोशनल पोस्ट है, लेकिन मुंबई इंडियंस जो लगातार पसीना बहा रही है, और रोहित शर्मा हर साल आईपीएल के हर सीजन से पहले इस टीम के साथ पहले दिन से जुड़ जाते थे, लेकिन फिलहाल रोहित के पास वक्त है। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, इंडियन टीम की कमिटमेंट्स खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के प्री सीजन कैंप को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अगर बात करें तो मुंबई इंडियंस का पिछले 3 दिन से CCI यानी कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ब्रेबोर्न स्टेडियम में प्रैक्टिस कैंप चल रहा है, और अगर इस प्रैक्टिस कैंप की बात करें तो यहां पर मुंबई के तमाम सभी खिलाड़ी अब पहुंच चुके हैं और वो सभी पसीना बहा रहे हैं और आने वाले सीजन की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर चोटिल सूर्य कुमार यादव हो या फिर जसप्रीत बुमराह हो, जो कि कथित तौर पर हार्दिक पंड्या के कप्तान बनाए जाने से नाराज थे, उन्होंने अभी तक प्रैक्टिस कैंप को ज्वाइन नहीं किया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये सभी सीनियर प्लेयर क्या मुंबई इंडियंस का प्रैक्टिस कैंप ज्वाइन करते हैं या फिर सीधे मुंबई इंडियंस के लिए मैदान पर उतरेंगे।